हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 81st लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम बबल सॉर्ट के बारे में बात करेंगे। और बबल सॉर्ट को बेसिकली एक्सचेंज सॉर्ट भी कहते हैं, क्योंकि सॉर्ट है तो सॉर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अरेंज करना। इस जगह पे हम नंबर्स को अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये सॉर्टिंग को आप यूज़ करके किसी भी ऑर्डर में डेटा को आप अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। बेसिकली इस लेक्चर का पर्पस है, इसमें सबसे पहले तो हम बबल सॉर्ट की वर्किंग देखेंगे और उसके बाद हम इसका कोड करेंगे। तो बबल सॉर्ट की वर्किंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें बबल हम दो चीज़ों को कहते हैं, मींस दैट दो सेल को या दो चीज़ को आप बबल कंसीडर कर लेंगे, ठीक है जी। इसमें होता यह है कि हम एक्सचेंज करते हैं वैल्यूज़ को। फॉर एग्जांपल ये 10 है और ये 30 है, तो हमारे पास ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है। तो हमारे पास ये तो ऑर्डर अरेंज्ड ऑर्डर है कि बड़ी वैल्यू हमने इस तरफ लेकर आनी होती है और छोटी वैल्यू इस तरफ होनी चाहिए। तो इसी तरह इसमें वर्किंग होती है। अब इसको अगर और इसको कंपेयर करवाएं तो हमारे पास ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो हम इनको क्या करवा देंगे, स्वैप करवा देंगे। इसीलिए इसको स्वैपिंग सॉर्ट भी कहा जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये हमारे पास एक एरे है और इसको हमने सॉर्ट करना है और हमने देखना है कि किस तरह बबल सॉर्ट इसको सॉर्ट करती है। हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पासिस में वर्क होता है, पास 1 है, इसके अंदर नंबर ऑफ आइट्रेशन होते हैं कि कितनी आइट्रेशन चलती है हमारी लूपिंग, कितनी दफ़ा लूपिंग मतलब फॉर लूप कितनी दफ़ा आइट्रेट करती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पास नंबर 1 और इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे पास, देखें 10 है, इस तरफ 30 है, तो ये पहले ही अरेंज ऑर्डर में, मीन्स दैट इस तरफ बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, इस तरफ छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये अरेंज ऑर्डर है, इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, स्वैप करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएँ, ये फर्स्ट आइट्रेशन कम्प्लीट हो चुकी है, सेकेंड आइट्रेशन में जाएं तो देखें फिर हमने इसको छोड़ देना है, फिर इस वैल्यू को हमने क्या करना है, पिक करना है 30 को, नेक्स्ट वाली के साथ कंपेयर करवाना है। तो देखें ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, इसका मतलब यहां पे हमें स्वैपिंग रिक्वायर्ड है कि बड़ी वैल्यू हमारी इस तरफ होनी चाहिए और छोटी वैल्यू इस तरफ होनी चाहिए। तो इसलिए इसको अगर हम स्वैप करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एरे हमारे सामने आएगा। देखें 15 इस तरफ आ चुका है और 30 इस तरफ आ चुका है। तो अब नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट होगी इस जगह से, क्योंकि पहले दो हमने कर लिए हैं, मतलब जो भी इनकी प्लेस बनती थी। तो इस जगह से हमने इस 30 को फिर कंपेयर करवाना है नेक्स्ट के साथ। तो इनमें भी देखें ये 30 बड़ा है और 25 छोटा है, तो यहाँ पे भी स्वैपिंग रिक्वायर्ड है, क्योंकि बड़ा एलिमेंट हमारा इस तरफ होना चाहिए। तो स्वैपिंग के बाद हमारा 25 इस तरफ आ चुका है और 30 इस तरफ आ चुका है। अब फिर इस 30 को हम पिक करेंगे, क्योंकि एक को हमने नेक्स्ट आगे पकड़ लेना है। नेक्स्ट को जब पकड़ेंगे हमारे पास 30 आएगा, 30 को 5 के साथ कंपेयर करवाएंगे तो 30 हमारे पास बड़ा है और 5 हमारे पास छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्वैपिंग रिक्वायर्ड है। स्वैपिंग करने से हमारे पास 5 इस तरफ आता है और 30 इस तरफ आता है। आपने एक चीज नोट करने के, एक दफ़ा हमारा एक पास जब कंप्लीट होगा, सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी वो इस तरफ आ जाएगी। देखिए पूरे एरे में 30 बड़ा था, वो इस जगह पे आ चुका है। अब नेक्स्ट जब पास हम कंप्लीट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि 25 जो वैल्यू है इस जगह पे आ चुकी होगी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे आएगी तो हमारे पास एक वैल्यू हमारी सॉर्ट हो जाएगी, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू इस जगह पर आ जाएगी, मीन्स दैट एक और वैल्यू सॉर्ट हो जाएगी, और इस तरह हमारी 1 by 1 एक एक वैल्यू सॉर्ट होगी हर पास के अंदर। अब नेक्स्ट पास हम स्टार्ट करते हैं, इसी एरे से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसमें एक वैल्यू हमारी सॉर्ट हो चुकी है। तो स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, इस जगह पे हमारे पास 10 है, इस जगह पे हमारे पास 15 है, ये ऑलरेडी हमारा अरेंज्ड ऑर्डर है, मतलब कि इस जगह पे बड़ी होनी चाहिए वैल्यू और इस जगह पे छोटी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में हम 15 एंड 25 को कंपेयर करेंगे, ये भी हमारा किस ऑर्डर में है, हमारा अरेंज्ड ऑर्डर है, क्योंकि इस तरफ बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 25 को अगर हम 5 के साथ कंपेयर करवाएंगे, इस बबल को कंपेयर करवाएंगे, तो आप देखेंगे ये 25 बड़ा है, 5 छोटा है, तो इस जगह पे क्या है, हमारे पास स्वैपिंग रिक्वायर्ड है। तो इस जगह पे स्वैपिंग जैसे ही होगी, हमारा 25 इस जगह पे आ जाएगा और 5 इस जगह पे चला जाएगा। ये देखें, ये इस तरह हमारा 25 इधर आ गया और 5 इस जगह पे चला गया, तो हमारा एरे ये बन चुका है। इसमें हमारे पास 25 देखें इस जगह पे आ चुका है। जैसे कि मैंने बताया था, हमारे दो वैल्यू सॉर्ट हो चुकी, ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है और ये उससे छोटी वैल्यू है, और इस तरह हमारी दो वैल्यू सॉर्ट हो चुकी हैं और दो पास हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम थर्ड पास की तरफ मूव करते हैं। इस जगह पर हम देखते हैं, देखें हमारे पास 10 है,
जैसे ही 10 को हम कंपेयर करवाएंगे 15 के साथ, तो ये ऑलरेडी अरेंज डेटा है हमारा, ये छोटी वैल्यू है, ये उससे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि हमने बड़ी वैल्यू को इस तरफ लेकर आना होता है, इसलिए हम इनको स्वैप नहीं करवाते। तो 15 ऑलरेडी हमारा इस जगह पर, बड़ी वैल्यू इस तरफ है, इसलिए स्वैपिंग रिक्वायर्ड नहीं है। तो 15 को अब नेक्स्ट के साथ देखेंगे तो देखें ये हमारी छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो इनको हम क्या करवाएंगे, स्वैप करवाएंगे। देखें इस जगह पे स्वैप का प्रोसेस हमारे पास हो रहा है, तो इसका मतलब 15 इस तरफ आ गया, 5 इस तरफ चला गया, हमारी तीन वैल्यू हमारी क्या हो चुकी हैं, हमारे पास अरेंज हो चुकी, तीन देखें हमारे इंडेक्स जो हैं अरेंज हो चुके हैं, हमारे जस्ट ये दो वैल्यू रह चुकी हैं। अब ये हमारा तीन पास कंप्लीट हो चुके हैं, और लास्ट वन जो हमारा पास है, इसमें हम पहली दो वैल्यू को कंपेयर करवाएंगे। देखें ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर स्वैपिंग रिक्वायर्ड है। तो पहली जगह पर ही स्वैपिंग होगी, तो हमारा एरे टोटली अरेंज हो चुका है, 5, 10, 15, 25 एंड 30। इस तरह हमारी जो बबल सॉर्ट है ये वर्क करती है, ठीक है। और इंशाल्लाह अब हम कोड की तरफ चलते हैं और कोड को देखते हैं। ये देखें आप ये पढ़ भी सकते हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह ये हमारी सॉर्टिंग कंप्लीट होती है, और अब चलते हैं हम कोड की तरफ। चलें जी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने हेडर फाइल वगैरह लिख लिया, इसमें सबसे पहले तो हमें एक एरे लेना है। ARR के नेम से मैं एक एरे ले रहा हूँ, जिसका साइज़ मैं 5 रख रहा हूँ, और इसमें हमारे पास एक वेरिएबल टेम्प भी रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर हमने जो कि स्वैपिंग के लिए हम यूज़ करेंगे, और इसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करवा ली है। और इसके बाद मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करता हूँ। सबसे पहले हम यूज़र से एरे के अंदर वैल्यू कोई भी अनसॉर्टेड गेट कर लेते हैं। तो मैं इंट आई इज़ इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन और इक्वल 4 और यहाँ पर आई प्लस प्लस करता हूँ, और इस फॉर के अंदर या इस लूप के अंदर मैं यूज़र से वैल्यू गेट करता हूँ। और यूज़र से वैल्यू गेट करने से पहले हम यहाँ पे एक मैसेज देते हैं, इंटर वैल्यूज़ इनटू एरे, और ये मैंने एक मैसेज दिया है यूज़र को। और इसके बाद हम सी इन किस तरह हम सी इन करते हैं AR, और इसके अंदर पास क्या करते हैं आई, क्योंकि आई के अंदर पहली दफ़ा 0 होता है, उसके बाद 1, 2, 3 एंड 4, इस तरह हमारे 5 के 5 इंडेक्स पे वैल्यू चली जाती है 1 बाय 1। अब हमने वैल्यू गेट कर ली है, अब यहाँ पे मैं एक मैसेज दे रहा हूँ कि ओरिजिनल पहले जो भी यूज़र ने वैल्यू इंटर करवाई होंगी उनको हम क्या करवा देते हैं, उन वैल्यूज़ को हम क्या करवा देते हैं, डिस्प्ले करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज देता हूँ ओरिजिनल वैल्यूज़, और इस जगह पे मैं एंडल यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक लूप लगाता हूँ ताकि उन वैल्यूज़ को मैं क्या करवा सकूँ, आउट करवा सकूँ। फॉर लूप हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि हम एरे से वैल्यू को डिस्प्ले करवाते हैं, वही प्रोसीजर है, और डिस्प्ले ही बेसिकली हम करवा रहे हैं। और आई प्लस प्लस जो भी मीन्स दैट यूज़र ने इंटर की होंगी उस एरे के अंदर वैल्यू, उनको हम क्या करवा रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं। और यहाँ पर मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, सी आउट और एरे ऑफ आई सेम यूज़ करेंगे। और इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह पे मैं थोड़ी सी स्पेस लगा रहा हूँ ताकि वैल्यूज़ सेपरेट हो जाएं, एक दूसरे से दूर दूर हमें नज़र आएं। तो इस तरह हमने क्या किया है, इतनी मतलब इतने प्रोग्राम में सबसे पहले तो यूज़र से हमने 5 नंबर गेट किए हैं, और उनको सिर्फ हमने डिस्प्ले करवाया जो भी यूज़र ने इंटर किया है। अब हम सॉर्टिंग का प्रोसीजर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सॉर्टिंग हमारी किस तरह परफॉर्म होती है। तो हमारे पास दो यहाँ पे लूप इस्तेमाल होंगे, जो कि फॉर लूप, एक आउटर और एक इनर। एक वैल्यू को स्वैप करवाने के लिए इस्तेमाल होगा, और एक के नंबर ऑफ पासिस के लिए, और एक नंबर ऑफ आइट्रेशन के लिए, यू कैन से दैट, क्योंकि हमने नंबर ऑफ पासिस और नंबर ऑफ आइट्रेशन देखी है। जो आउटर फॉर लूप है ये नंबर ऑफ जो हमारे पासिस थे उसके लिए यूज़ होगी, मीन्स दैट 5 हमारे पासिस या 4 पासिस वो अकॉर्डिंगली चलेंगे। और उसके बाद हमारी एक इनर फॉर होगी जो कि वैल्यू को स्वैप करवाने के लिए यूज होगी, क्योंकि बबल सॉर्ट है हमारी, तो इसमें दो वैल्यू को हम कंपेयर करवाएंगे। अगर हमारा फर्स्ट इंडेक्स जो इसके नेक्स्ट नेबरिंग जो इसका इंडेक्स होगा उससे बड़ी वैल्यू होगी, तो हम उसको क्या करवा देंगे, स्वैप करवा देंगे। चलें देखते हैं, आपको बेस्ट समझ आ जाएगी जब हम इस प्रोग्राम को देखेंगे। आई इंट आई इज़ इक्वल टू 0, जब तक आई हमारा लेस देन और इक्वल रहेगा 4 के, और आई क्या करवा लेते हैं, हम प्लस प्लस करवा लेते हैं। ये हमारा आउटर फॉर है, और इसके अंदर हम एक इनर फॉर यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप इक्वल की साइन लगाते हैं तो फिर 4 लिखेंगे, अदरवाइज आप क्या यहाँ पर
लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा इनर फॉर है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ इंट जे इज इक्वल टू 0, जब तक जे हमारा यहाँ पे लेस देन हम 4 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे। मैं क्यों यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, 5 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू हमारी ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाती है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जब लास्ट वैल्यू को हमने सॉर्ट करवाया था, जैसे कि इस जगह पे 5 और 10 को जैसे ही हमने स्वैप करवाया था, तो हमारे पास 5 ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो चुका था। इस तरह हमारे पासिस भी 4 हैं, और इसलिए क्योंकि एक वैल्यू ऑटोमेटिकली एंड पे आके सॉर्ट हो जाती है, तो इसलिए हम 4 तक लगा रहे हैं, उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इनर फॉर लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक जस्ट मैंने इफ़ कंडीशन लगानी है सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। इफ़ कंडीशन के अंदर क्या हम लगाएंगे, जैसे कि हम इस जगह पे हम देख रहे थे अभी अभी, जैसा कि हमारी ये वैल्यू अगर बड़ी होती है, यानी कि एरे ऑफ जे अगर बड़ा होता है एरे ऑफ जे प्लस 1, क्योंकि ये जे से नेक्स्ट वाला हमारा एरे है ना, अगर एरे ऑफ जे से एरे ऑफ जे प्लस 1 बड़ा है, तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, स्वैपिंग रिक्वायर्ड है। ये चीज़ आपने याद रखी, क्योंकि इनर लूप के अंदर हम जे यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल, इसलिए मैंने ऐसे आपको बताया कि अगर एरे ऑफ जे हमारा ये बड़ा होता है एरे ऑफ जे प्लस 1 से, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर सॉर्टिंग, जो हमारी स्वैपिंग सॉरी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि एरे ऑफ जे हमारा एरे ऑफ जे प्लस 1 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। तो इसी तरह यही कंडीशन हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहां पे हम सिंपल क्या लिख रहे हैं, एरे ऑफ हमारा जे, क्योंकि इस जगह पे हमने वेरिएबल कौन सा यूज किया है, जे यूज किया है। तो अगर हमारा एरे ऑफ जे ग्रेटर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, किससे, एरे ऑफ जे प्लस 1 से, उससे नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है उससे अगर बड़ा हो जाता है, तो फिर हमने क्या करना है, सिंपल हमने स्वैपिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है। स्वैपिंग में क्या करेंगे, जैसे कि हमने टेम्प वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करवाया है इस जगह पे, इसमें क्या रखवा देंगे हम, एरे ऑफ जे रखवा देंगे, ठीक है जी, एरे ऑफ जे इसके अंदर रखवा देंगे। और अब एरे ऑफ जो हमारा जे है, एरे ऑफ जे इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट है उसको एरे ऑफ जे की जगह पे लेकर आना है, और एरे ऑफ जे को एरे ऑफ जे प्लस 1 की जगह पे लेकर आना है। तो एरे ऑफ जे की जगह पे हम क्या करेंगे, एरे ऑफ जे प्लस 1 रखवा देंगे। और सिंपल अब एरे ऑफ जो हमारा जे प्लस 1 था, जो हमारा एरे ऑफ जे प्लस 1 था, इसकी जगह पे हम क्या रखवा देंगे, सिंपल जो टेम्प है वो रखवा देंगे। टेम्प के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एरे ऑफ जे पड़ा हुआ है, वो हम एरे ऑफ जे प्लस 1 के अंदर रखवा रहे हैं। इस तरह हमारी जो स्वैपिंग है ये परफॉर्म हो जाएगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों लूप से बाहर आएंगे। अब हमने सिंपल क्या करना है, हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है, हमने उसको डिस्प्ले करवा के दिखाना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक पहले मैसेज दूंगा कि सॉर्टेड एरे, ठीक है जी, यहाँ पे मैं सॉर्टेड एरे का एक मैसेज दूंगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस जो हमारा एरे है उसको हम डिस्प्ले करवा देंगे। मैं यहाँ पे हैंडल यूज़ कर लूँ, ताकि हम नेक्स्ट लाइन पे उन वैल्यूज़ को क्या करवाएं, सॉर्ट डिस्प्ले करवाएं। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ, इंट आई इज़ इक्वल टू 0, जब तक आई हमारा लेस देन और इक्वल रहेगा 4 के, और आई प्लस प्लस करते हैं, और इसके अंदर सिंपल मैंने क्या करना है, वैल्यूज़ जो हैं उनको सी आउट करवाना है, सी आउट, और इस जगह पे मैं क्या लिखूँगा, सॉरी ए डबल आर ऑफ आई, ठीक है जी, एरे ऑफ आई लिख रहा हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे स्पेसेस दे देता हूँ, जिस तरह मैंने ओरिजिनल एरे में दी थी, ताकि हमें थोड़ा थोड़ा गैप नज़र आए और हमें वाजा पता चल सके। और यहाँ पे मैं गेट सी एच यूज़ करता हूँ, और हमारी जो सॉर्ट है ये सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह ये हमारी सॉर्ट बिल्कुल एग्जैक्ट वर्क करेगी। देखें, ये बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने यूज़र से 5 वैल्यू गेट किए हैं, 5 वैल्यू गेट करने के बाद उनको हमने डिस्प्ले करवाया, जो भी यूज़र ने एंटर किए, इधर तक सॉर्टिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने 2 फॉर लूप यूज़ किए हैं, एक आउटर फॉर और एक इनर फॉर। आउटर फॉर उसकी जो पासिस हैं या आइट्रेशन है उनको चलाने के लिए कह लें, और इनर फॉर जो है जो स्वैपिंग के लिए यूज़ होगा। जब भी हमारा एरे ऑफ जे मतलब ग्रेटर देन होगा एरे ऑफ जे प्लस 1 के, यानी कि उसके नेक्स्ट एलिमेंट के, तभी हमारी क्या होगी, स्वैपिंग परफॉर्म होगी। यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई, अदरवाइज स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। तो इस तरह हमारी ये आइट्रेशन कंप्लीट होती रहेगी, ये पहली दफ़ा ये 4 टाइम मींस दैट चलेगी, उसके बाद चेक करती रहेगी, जितनी दफ़ा भी हमारी स्वैपिंग रिक्वायर्ड होगी स्वैपिंग परफॉर्म होगी। और एक ये इनर लूप चलने से हमारी एक वैल्यू क्या होगी, हमारी सॉर्ट होगी वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू जो ग्रेटर देन होगी वो सबसे एरे के बिगर साइड पे चली जाएगी, मींस दैट 4 पे, फिर उससे छोटी 3 पे, 2 पे, 1 पे, ये असेंडिंग ऑर्डर के लिए मैंने लिखा है। तो डिसेंडिंग के लिए भी इसी प्रोग्राम में, चले मैं आपको बता दूंगा। तो देखते हैं कि अब ये हमारी सॉर्ट किस तरह वर्क कर रही है। मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ, और कोई भी डमी नेम देता हूँ, और उसके बाद मैं
इंटर करता हूँ तो ये ऑलरेडी नेम था, चलें कोई नहीं, रिप्लेस कर दिया मैंने। तो अब देखते हैं हमारी आउटपुट क्या आती है। देखें मेरे पास यहाँ पे आ रहा है इंटर, यहाँ पे कोई भी मैं रैंडम वैल्यू इंटर करता हूँ, तो मैंने 33 किया इंटर, 44 किया है, उसके बाद 2 किया है, उसके बाद 76 किया है, और उसके बाद मैं 68 कर देता हूँ। ये मैंने रैंडमली कोई पांच एलिमेंट जो इंटर कर दिए। अब देखते हैं ये सॉर्ट किस तरह करता है, हमारी डिज़ायर आउटपुट आ रही है या नहीं। देखें मेरे पास जो आउटपुट आ रही है 33, 44, 2, 76 एंड 68 जो मैंने इंटर की थी वो वैल्यू आ रही है। उसके बाद जो सॉर्टेड डेटा हमारा आ रहा है, ये 2 आ रहा है, 33 आ रहा है, 44 आ रहा है, 68 आ रहा है एंड 76 आ रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट आउटपुट आ रही है, हमारा सॉर्टेड ही एरे है, हमारा बिल्कुल सॉर्ट हो रही है वैल्यू। इसको जस्ट हम इस जगह पे एंडल यूज़ करके इसको नेक्स्ट लाइन पे ले आते हैं ताकि हमें ये थोड़ा सा बेटर लुक दे। तो इस जगह पे अगर मैं इस जगह पे अगर मैं एंडल यूज़ कर लेता हूँ, चलिए मैं इस जगह पे नहीं करता, तो इस जगह पे हम कर लेते हैं बैक स्लैश एन यूज़ कर लेता हूँ। चलें जी अब इसको दोबारा से कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास दोबारा से कोई भी वैल्यू इंटर करते हैं। 6, 12 एंड समथिंग 35, ये फाइव वैल्यू हो चुकी हैं। देखिए मेरे पास ये ओरिजिनल जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो जो मैंने इस जगह पे इंटर किए हैं वो शो करवा रहा है, और उसके बाद सॉर्ट करके हमें वैल्यूज़ दे रहा है 6, 12, 35, 45 एंड 76। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आउटपुट है, सॉर्ट हमारा एरे हो रहा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो आई थिंक इस जगह पर आप अगर चेंज कर देंगे साइन तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना स्टार्ट कर देगा। मैं यहाँ पे नहीं करके दिखाऊंगा, आप खुद करें। इस जगह पे लेस देन की साइन लगाएं और इसको चेक करें कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है या नहीं, और कमेंट में आपने बताना है कि ये एग्जैक्ट वर्क कर रहा था या नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है जी, मैं आपके जो कमेंट का मुंतजर रहूँगा। चलें गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और बैटरी भी लो हो चुकी है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कोड आप देख लें, नोट कर लें आप, इंशाल्लाह आप इस तरह कोड लिखेंगे, इसको मतलब आप रटा नहीं लगाना, आपने समझ के करने तो आपको समझ आ जाएगी, फॉर की वर्किंग समझें अच्छे से, तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम एग्जैक्ट वर्क करेगा। और जो आपकी असाइनमेंट है कि इस जगह पे आपने लेस देन का साइन यूज़ करना है और देखना है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारी सॉर्टिंग हो रही है या नहीं। ठीक है, चलें गाइस अल्लाह हाफिज़।